morning, students. Welcome to my YouTube channel. Welcome to my YouTube channel. Now I am going to discuss normality based problems. In the previous video, I have discussed normality. What is the normality and what is the relation between normality and morality? Morality. I have discussed in the previous video. प्रीवियस वीडियो के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. जिसने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो वो इस डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो देखे, उसके बाद ये वीडियो आपको समझ में आएगा. अगर नॉर्मलिटी आपको पहले से आती है तो ये न्यूमेरिकल डेफिनेटली आपको समझ में आने वाला है. तो ये हमने न्यूमेरिकल लिया है मॉडर्न एवीसीबी का प्रैक्टिस प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 8. 1 लीटर सोल्यूशन ऑफ N/2 HCl इज हीटेड इन अ बीकर. कह रहा है हमारे पास HCl का N/2 सॉल्यूशन और उसका वॉल्यूम था 1 लीटर. जब इसको हीट किया गया है तो क्या हुआ है, इट वाज ऑब्जर्व दैट व्हेन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रिड्यूस टू 600 ml. कह रहा है जब इसको हीट किया गया, हमारे पास ऐसा कोई सॉल्यूशन होगा, ये हमारा बीकर है, इसका वॉल्यूम 1 लीटर है और इसकी जो नॉर्मेलिटी है वो 1/2 दिया गया. जब हीट करेंगे ऑब्वियस सी बात है इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा. तो कह रहा है रिड्यूस टू 600 बचा है, ठीक है ना, 600 बचा, बाकी इसका वेपराइज हो गया. द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रिड्यूस टू इतना 3. जब उसको ये भी कैलकुलेट किया तो कह रहा 3.6825 HCl इज लॉस्ट. जो बचा है मतलब इतना ये बचा गया और इसमें से जो निकला है जो वॉल्यूम के साथ साथ में उतना इतना मास भी क्या हो गया है, वो भी निकल गया है, कम हो गया है. तो कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन पूछा गया है. तो सबसे पहले हम इस लाइन को सॉल्व करेंगे. इस लाइन का मतलब क्या है, कह रहा है अगर इतने पास था तो उसका कितना मास हम लेंगे. अगर नॉर्मेलिटी हमको कोई भी कभी भी नॉर्मेलिटी अगर सॉल्यूशन बनाना होता है तो हमें सबसे पहले उसका गिवन मास कितना मास लें, ताकि मास कितने लीटर वॉल्यूम में डालें, कितने एमएल वॉल्यूम में डालें, तब उसकी नॉर्मेलिटी निकालते हैं. तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे. तो नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला पढ़ा है वो हमने पढ़ा था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट. ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला था मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 और अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. तो अकॉर्डिंग टू दिस नॉर्मेलिटी हमारी 1/2 दी गई है. मास हमें निकालना है, इक्विवेलेंट मास बताया था क्या होता है, इक्विवेलेंट मास बताया था गिवन मास सॉरी मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर HCl है. सबसे पहले इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो 1 आ जाएगा प्लस 35.5 आ जाएगा, तो ये हमारा 36.5 आ जाएगा. इसका अगर हम निकाल रहे हैं कितने कैटायंस में टूटेगा तो ये 1 में टूटेगा, तो इसलिए वैलेंसी फैक्टर 1 हो जाएगा. तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला है कि मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर. मोलर मास 36.5 था अपॉन वैलेंसी फैक्टर 1 था, क्योंकि 1 कैटायन इसमें ब्रेक हो, 1 कैटायन मिल रहा है या 1 हाइड्रोजन आयन मिल रहा है, किसी भी तरह से मिला सकते हैं. तो इसका हमारा इक्विवेलेंट मास आ गया 36.5 इनटू 1000. यहां पे 1 लीटर लिखा हुआ था तो 1 लीटर को अगर हम करेंगे तो 1000 आ जाएगा. तो यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा. W इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 36.5/2, ये हमारा 18.25 ग्राम आ जाएगा. तो हमारा जो पहले सॉल्यूशन था उसमें कितना मास था, 18.25 ग्राम था. कह रहा है इतने ग्राम में से जब हमने उसको हीट किया गया तो कहां गया, इतना ग्राम लॉस हो गया है. तो हमारा जो रिमेनिंग था, तो यहां पे इसको हटा के हम लिखेंगे The remaining amount of HCl, ये हमारा हो जाएगा 18.25 माइनस 3.25, तो ये हमारा आ जाएगा 15 ग्राम. इस तरह से हमारा ये आ जाएगा. तो फिर हम इसने कहा नॉर्मेलिटी, इसने पूछा तो हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्मेलिटी. जो n है नॉर्मेलिटी यहां पर लिखेंगे फॉर न्यू सॉल्यूशन के लिए, ये हमारे न्यू सॉल्यूशन के लिए हम निकाल रहे हैं. जो यहां पर नॉर्मेलिटी निकाली थी या फिर हमने देखी थी हमारी ओल्ड सॉल्यूशन के लिए थी, यहां पर न्यू सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला हम सेम टू सेम एज इट इज यूज करेंगे. W अपॉन ई इंटू 1000 अपॉन वी. तो मास कितना बच गया है, जो उसमें बीकर में मास था वो 3.25 ग्राम तो लॉस्ट हो गया है, बचा कितना 15 ग्राम. मास आ गया 15 अपॉन ई की वैल्यू कितनी है, HCl था, ई की वैल्यू सेम आएगी 36.5, तो 36.5 आ गया इंटू 1000 अपॉन. कह रहा वॉल्यूम 1000 से कितना बचा है, 600
एमएल बचा है, तो यहां पे लिखेंगे 600 ml। उसके बाद देखिए इसको जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 15 से 60 गया 4 टाइम्स, 4 से गया 25 टाइम्स, पॉइंट आ गया यहाँ पे जीरो आ गया, तो यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दिया, 5 7 जा 5 3 जा 5 5 जा, ये हमारा आ गया कितना 50/73। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड जो है यहाँ बता रहे हैं कितना आ जाएगा 73/50। यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे जीरो बढ़ाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6 टाइम्स, 6 3 18, 6 7 42 और 149 और 2 आ गया हमारा, सॉरी 6 7 42 और 143 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे 10 में से 8 गया 2 बच गया और यहाँ पे 9 में से 3 गया 6 बच गया, यहाँ पे फिर जीरो बढ़ाया 8 टाइम जाएगा तो 8 3 24, 2 8 7 56, 258, तो ये हमारा 36 आ गया, फिर बढ़ा दिया इस तरह 4 आ जाएगा, तो ये हमारा लगभग कितना आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 0.684। इसको 0.68 भी लिख सकते हैं। तो ये हमने एक न्यूमेरिकल देखा कि नॉर्मेलिटी से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल है, डायरेक्ट नॉर्मेलिटी पूछता है तो इस तरह लगा देते हैं, अगर तभी अगर उसी सॉल्यूशन को हीट करने की वजह से पूछता है तो इस तरह सॉल्यूशन इसका यूज किया जाता है, जो पहले नॉर्मेलिटी दिया गया ओल्ड के लिए लगाएंगे फिर न्यू के लिए लगा देंगे और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी उसकी कंडीशन है उसके तरह लगा देंगे। तो ये आपने न्यूमेरिकल देखा, इसी तरह से आपको और भी न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे जुड़ी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।